मुरादाबाद से। नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने की मारपीट। मोड़ापाने थाना क्षेत्र के एक दलित परिवार ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही कुछ लोगों द्वारा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और विरोध करने पर दबंगों द्वारा उनके घर पर पथराव करने की बात कही। पीड़ित परिवार ने थाना पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुरादाबाद SSP को शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित दलित परिवार ने उनके घर पर दबंगों द्वारा किए गए पथराव की वीडियो भी सौंपी है। दरअसल आपको बता दें, घटना आज सुबह उस समय की है जब मोड़ापाने इलाके में मुड़िया मलीपुर की रहने वाली कमलेश की नाबालिग बेटी घर के बाहर सफाई कर रही थी। उसी समय गांव के ही 4 से 5 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिनकी आवाज सुनकर जब कमलेश घर के बाहर आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सूचना देने के लिए पीड़ित परिवार थाना पुलिस के पास पहुंचे। पीड़ित दलित परिवार का आरोप है कि थाना पुलिस भी आरोपियों के साथ हम साझ हो गई है और फैसले का दबाव बनाने लगी है। कार्रवाई ना होते देख पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद SSP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी लड़की को यह जीना दुश्वार कर रहे हैं और मेरी लड़की सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो आपस में छेड़छाड़ करती हैं, स्कूल का जाना भी बंद कर दिया इन्होंने। उसके आखिर हमारा बहुत जीना खराब कर दिया इन्होंने। हमारी बेटी यहाँ रह नहीं पानी क्या, ये 3-4 अभी लोग हैं ये बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। इसका स्कूल भी जाना छुड़ा दिया, घर से निकलती है तो पीछे पीछे करते हैं, कह रहे हैं कि जान की मार देंगे या ना। अच्छा, कौन लोग हैं वो, क्या क्या नाम है इनके? एक राम भंजन है, एक राजेश है, एक कल्लू है, विक्रम, जगतपाल, ये सब लोग हैं। किस गांव का मामला है? मुड़िया पांडे। ये घटना हमारे, मैं अपने मोड़े पर झाड़ू लगा रही थी आज, तो कुछ लड़के मेरे साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे और तभी मेरे घर वाले आए मुझे बचाने के लिए, तो उन्हें भी डंडा लाठी चार हो गया और मुझे हाथ पकड़ के घर में से खींच रहे थे और फिर मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मेरे हाथ में डंडा मारा और मेरे घर वालों के लिए उन पर भी चोट आई मेरे घर वालों के लिए। हम मुंडे थाने आए थे तो हमारे आने से पहले ही उन्होंने फैसला कर लिया और हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अच्छा, अब कहाँ जाओगे आप? अब हम मुरादाबाद जा रहे हैं। किस गांव का मामला है? ये मुंडिया मलिकपुर। ठीक है जी। ये एक जगतपाल है, विक्रम है और एक राम भजन है, एक राजेश है। अच्छा, आए दिन झगड़ा करते हैं जी? ये आए दिन झगड़ा करते रहते हैं हमसे, पता नहीं किस बात की खुंदक निकालते हैं। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा निकलना भी दुश्वार है, ये गंदी निगाह से देखते हैं मुझे, मेरा स्कूल जाना भी छूट गया और ये कहते हैं हम नहीं तो मेरी बात मान ले, नहीं तो हमने तेरे मुंह पर तेजाब डाल देंगे। अच्छा, क्या बार घटना हो चुकी है आपके साथ ऐसी? ये हो चुकी है 3-4 बार, हम लोग ऐसी घटना कर चुके हैं ये मेरे साथ। तो आपने अपने परिवार वालों से नहीं कही थी? हर बार ये फैसला कर लेते हैं पर अब की बार मैं चुप नहीं रहूँगी। मुरादाबाद से रहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।